नमस्कार दोस्तों, हम हैं यहाँ गुप्त गंगा भद्रवाह की पहाड़ियों में जा रहे हैं यहाँ से। मस्त मौसम जो है बहुत ही बढ़िया, ठंडा ठंडा मौसम है और पहली बार यहाँ मौका मिला आने का, थोड़ा रूबरू होने का। इस जगह से ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं जैसे ज़िंदगी लेकर जा रही है। कुछ हम सफ़र मुसाफिर मिलते जा रहे हैं रास्ते पे, थोड़ा कारवा बनाते जा रहे हैं हम। मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया नया, मैंने पहली बार आया हूँ। अच्छा मंदिर देखिए, नज़ारा देखिए, यहाँ पे क्या खूबसूरत नज़ारा है। मतलब पानी की लहर देखिए यहाँ पे। हाँ हाँ, यहीं बैठने का मन करता है कभी कभी, क्योंकि यहीं आकर सको लगा, लेकिन क्या करें। फर्स्ट टाइम आया है यहाँ। अच्छा लग रहा है, ये देखिए जी मंदिर का नज़ारा है। यहाँ पे बाहर से ऐसे धूप पड़ रही है और कैसा नज़ारा दिख रहा है मंदिर का। बाहर से बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है मंदिर का। तो क्या कहना चाहोगे आप मंदिर के बारे में? अभी मंदिर से अच्छा ये नज़ारा लग रहा है, ये लोग लग रहे हैं। हाँ यहाँ पे लग रहा है मुझे, अच्छे अच्छे लोग। चले फिर अंदर चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो सीढ़ियों से उतरकर मंदिर का नज़ारा है ये। और अब देखो पहुंच गए हैं मंदिर के यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लोग और भी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। गुफा भी है, पांडव गुफा भी। और यहाँ पर शिवलिंग है, पांडव यहाँ पर जल देते थे। ये जो शिवलिंग है पूरा कान में जो आपकी इच्छा है वो बोलो, जैसे ये बोल रहे हैं जो भी आपको इच्छा है। तो ये देखो जो पूरा मंदिर बना हुआ है, ये पूरा पत्थर से बना हुआ है पूरा, जो भी है बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, तो पूरा ही पत्थर से ले आए। और ये देखिए पानी ले आया है, हमें शिवलिंग पे पानी जल धारण करेंगे अभी हम। ये भी जल धारण कर रहे हैं यहाँ पे, ओम नमः शिवाय का गुणगान करके। तो अभी हम पीछे चलेंगे, यहाँ पर भी गुफा है, थोड़ी और गुफा है, और यहाँ पे भी शिवलिंग है, और साथ में गुप्त पानी आता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे स्टोर होता है, और यहाँ पे कहीं पे भीम का पांव भी हमने सुना हुआ है, इसी चट्टान पे है। देखते हैं कहाँ पे है भीम का पांव। ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा भीम का पांव है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं इसको भीम का पांव दिखाने के लिए। जा रहा है कहाँ गया? ऊपर देखना आगे दिखा, ये जो है। हाँ हाँ बड़ा है भाई, ये देखिए तो 10 गुना बड़ा है। और ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, कुछ अपनी मन्नत पूरी कर रहा है यहाँ पे। गुगु कुछ मन्नत करता है पूरी। अभी हम पानी पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे पानी स्टोर है जहाँ से दिखाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर पानी है, यहाँ पे पानी है, और यहाँ से जब हम जा रहे हैं ये पांडव गुफा की ओर। ये देखिए ये पांडव गुफा है, और अंदर चलते हैं। वो देखिए एक कुछ बंदा, और हम चलते हैं आगे। गुफा देखिए, गुफा है, इसके अंदर चलते हैं। हम पहले भी आए हैं काफी बार, और ये देखिए चट्टाने भी यहाँ पे, और शिवजी का मंदिर है यहाँ पे। ये गुफा है पीछे, ये पीछे गुफा है, अब बंद कर दिए हुई है। तो बस यहीं तक है ये गुफा। मंदिर का और नज़ारा दिखाते हैं आपको, और ये तो फर्स्ट टाइम आया हुआ है, तो इसको दिखाने के लिए हम लाए थे यहाँ पे। भगवान से यही मांगता हूँ कि जो मुझे कर्म करने के लिए धरती पर भेजा गया मैं वही करूँ, अपनी मन मर्जी से मैं कुछ ना करूँ। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ का, शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। अभी पहुंच गए हैं हम पानी के किनारे, और ये देखिए ये गुप्त गंगा है यहाँ पे, और पानी देखिए कितना अच्छा है। और ये जाके बैठ गए,
मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे, आटा वगैरह डालते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, साथ में कैप्चर भी कर रहा है ये अपना फोटो वगैरह। और पानी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, ठंडा ठंडा भी पानी, अभी गर्मी का मौसम है और ठंडा है पानी, काफ़ी ठंडा भी अच्छा ये है पानी का। और यहाँ पे मछली भी हमने कुछ लाया नहीं है मछलियों को खाने के लिए, नहीं तो मछलियाँ यहाँ पे आ जाती हैं पानी में। और पानी का नज़ारा देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा है, और साथ में ऊपर मंदिर भी है, ये देखिए मंदिर। और ये देखिए अब गुनगुना रहा है कुछ यहाँ पे, इसको मैं कहूँगा कुछ गाना गाएगा यहाँ पे, बट पानी की काफ़ी शोर आ रही है यहाँ पे, तो गाना नहीं गा पाएगा ये, क्योंकि माइक की थोड़ी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। ये देखिए सर ये गुनगुना रहा है कुछ यहाँ पे, गाना गा रहा है, काफ़ी अच्छा सिंगर है। मंदिर में आए हुए थे और ये देखिए चंदन का टीका लगा के उसके बाद चलेंगे वापस, और अब वापसी पे हैं हम, अब वापस जा रहे हैं। तीनों आए थे और तीनों वापस जा रहे हैं हम। मेरे पीछे देखिए ये पूरा ही पत्थर का बना हुआ, ये देखिए पूरा पत्थर का बना हुआ है, ये जितना भी ऊपर से मंदिर का है ये पूरा पत्थर से बना हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे ये सब भी पूरा अंदर से लेके बाहर तक पत्थर से ही बना हुआ है। इसी ये देखिए कमल जो बने हुए हैं, ये कमल बनाए हुए हैं, ये भी पत्थर से बना हुआ है। मंदिर का व्यू आता है, और साइड में देखिए गुप्त गंगा जो है वो भी नदी भी बह रही है, और साथ में है यहाँ पे हनुमान जी का। कुछ उदास हो गया ये यहाँ पे, क्या उदासी हुई भाई? कभी भी दुख लगा मंदिर पे आके, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब बाहर ही संसारी दुनिया में जाओ तो दुखी दुख मिलते, कुछ भी समझ आता, हमेशा मन दुखी रहता है भगवान के लिए, मतलब पता नहीं। आप फर्स्ट टाइम आए मंदिर में तो कैसा लगा आपको, कैसा आनंद मिला आपको? आनंद भी आ गया अंदर से, बहुत मन शांत हो गया, बहुत अच्छा लगा। भगवान से मांगा नहीं ज्यादा कुछ, बस ये मांगा कि अपना मन जो है शांत रहे, और आप जैसे जो कर्म करने ऊपर वाले ने भेजा बस वो करने के लिए मैं आगे बढ़ता रहूँ, बस ये मांगा भगवान से। बस बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, लोग अच्छे हैं यहाँ पे। अब वापस चलते हैं, चलते हैं अब थोड़ा फिर से वापस चलते हैं, दुनिया में दुनियादारी नहीं माने चले चलते हैं वापस, चले 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 चलो। धूप पानी से बरस जाए ये साए, हंसाए रुलाए ये कहे, और तू ही समसाए, और दूरी शर्माए, तुम साथ हो दिन रात है शहर शाया बतलाए, तुम साथ हो दिन रात साया साया, माही वे मेरी हर बात में साथ तू है, माही वे मेरे सारे हालात तू, माही वे माही वे ये जीना भी क्या जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता, ओ मैं ही तो हूँ तेरा पता है दूसरा ना कोई रास्ता, आए तुमको जो तुम तक जो है सूझता, मेरी खामोशियों को है यूं पूछता। अब आइए मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें तेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर तो ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, मेरे हाथ में
तेरा हाथ हो सारी जन्नतें तेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर तो ये जहां मेरे प्यार में हो जाऊं फना, तू जो पास हो फिर क्या ये मेरे हो तुम यो, जितना महसूस करूं तुमको उतना भी पा भी लूं, तुम हो मेरे लिए। चलो विसाखी तो मुबारक है। हाँ चलो, और क्या है? और ठीक ठाक ना? किधर चले तुसी? चले उधर मकान को केड़ा अच्छा ये जो नया बनाया था पेड़ा, ठीक है ना तुम्हारी? ठीक। बकरी कितने हैं आज? ओ दे मरन बकरी है। ओ यार मैंने चाहिए एक काली बकरी। तरह छीनेगा ये मुझसे जहां तुम्हें तुम भी हो मैं। हम दूसरे लक्ष्मी नारायण मंदिर आ गए हैं, ये देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर। अभी देखिए लक्ष्मी नारायण मंदिर आए हुए हैं हम, पहले गुप्तगंगा मंदिर गए हुए थे, अब लक्ष्मी नारायण मंदिर आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए मूर्तियाँ, अभी लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर ही हैं हम और फेरियाँ लगा रहे हैं। ये देखिए मेरे साथ ये दो भी हैं। पहली बार आए लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त अच्छा लग रहा है, बहुत अंदर से अच्छा लग रहा है। अच्छा आत्मा पूरा। देखिए आसपास कितने अच्छे अच्छे मूठे भी हैं, दरवाजे कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर के दरवाजे। ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े दरवाजे।